नमस्कार बच्चों, टेंथ क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा सामाजिक का जो पाठ चला हुआ है मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया, उसका अभ्यास के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट पार्ट है हिस्ट्री का ये, और लास्ट पार्ट का अभ्यास हमने कुछ कर लिया था। अभ्यास के 3 क्वेश्चन हमने किए थे और आज हम कर रहे हैं चर्चा करें में, ये भी अभ्यास के अंदर आते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे, इन 4 क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनका जो सामाजिक का जो 5 लेसन है शुरुआत के हिस्ट्री के, वो कंप्लीट होने जा रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे 1-2 दिन में। 1-2 वीडियो और बनाएंगे शायद, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगली किताब शुरू करेंगे हम पढ़ने के लिए। तो हिस्ट्री की किताब कंप्लीट अपनी पूरी कर लेना, पूरी किताब को पढ़ लेना, कोई समस्या है तो उसको पूछ लेना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइबर बटन ज़रूर दबाएँ, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चर्चा करें आज हम कर रहे हैं सामाजिक का, हमारा लास्ट पार्ट है ये मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मॉडर्न संस्कृति का जो हमारा चर्चा करेगा, जो पहला लेसन फिर 5वां लेसन, उसका पहला प्रश्न है 18वीं सदी के यूरोप में, ये 18वीं सदी के यूरोप 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मॉडर्न संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञान उदय होगा। अब 18वीं सदी के कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि जो मॉडर्न संस्कृति है, लिखने की जो कला है, तकनीकी है, उससे क्या होगा, निरंकुशवाद। पहले निरंकुशवाद, निरंकुश को समझेंगे। निरंकुश होता क्या है, भी जिसके शासन पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, रोक टोक ना हो, वो अपना शासन बिना किसी रोक टोक के चलाता हो। भी कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इस प्रकार के जो शासक थे, जो अपने मन की मर्जी करते थे, उस प्रकार के शासकों का अब अंत हो जाएगा और एक अच्छा ज्ञान उदय, ज्ञान का विकास होगा। तो क्या है, देखिएगा, 18वीं सदी के यूरोप में निम्नलिखित कारणों से कुछ लोगों को यह लगने लगा था कि मॉडर्न संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत होगा, ज्ञान का उदय होगा, और 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास भी बन चुका था। कैसे बन चुका था आम विश्वास, क्योंकि लोगों को अब लगने लगा था कि सचमुच में ही ज्ञान का उदय होगा। जो निरंकुश शासक थे, अब उनकी जो बातें थी, ऐसी बातें जो आम जनता को नहीं पता था, वो किस प्रकार से जनता का शोषण करते थे, जनता को अपने दबाव में रखते थे, तो उन सब बातों का अब आम जनता को पता लगने लगा था। और जो किताबें अब चौक चौराहे पर बिकने लगी थी, उन किताबों के माध्यम से लेखकों ने उन राजाओं की ऐसी हर सारी बातों को जनता के सामने रख दिया, जिससे जनता अनभिज्ञ थी, जानकार नहीं थी। तो पहला पॉइंट क्या है, पुस्तकों के अधिक छपने से तथा सस्ती होने के कारण उनकी समाज के हर वर्ग तक पहुंच हो गई थी। इस किताबें हैं वो अधिक छपने लगी थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में किताबें हैं वो बाज़ार में आ गई थी, और हर समाज का व्यक्ति उन किताबों को पढ़ने लगा था, सस्ती हो गई थी। इस कारण से क्या होगा, लोग हर वर्ग के जो लोग थे जो ये चाहते थे कि हम भी पढ़ें, लेकिन पैसे ज़्यादा लगते थे, किताबें कम छपती थी, इस कारण से वे लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो वे लोग भी अब पढ़ने लगे जो लोग इन किताबों से अछूते थे। दूसरी बात, बाज़ार में नए नए विषयों की पुस्तकें आने लगी। अब बाज़ार के अंदर नए नए विषय हैं वो आने लगे थे, जिससे लोगों की पुस्तकों से रुचि बढ़ने लगी। अब लोगों की पुस्तकों में क्या रुचि बढ़ने लगी थी, नए नए विषय की किताबें हैं आने लगी थी, राजा प्रजा और भी समाज के अंदर जो बुराइयां थी, राजा की बुराइयां थी, बहुत सी ऐसी किताबें हैं बाज़ार में अब आने लगी थी, और बहुत से लोग पुस्तकों के नियमित पाठक भी बन गए थे। बहुत से लोग पुस्तकों के नियमित पाठक भी, लगातार पढ़ने वाले, रोज़ पढ़ने वाले जो पाठक थे वो भी बन गए थे। तो बाज़ार में नए नए विषयों की किताबें आने लगी थी। अब बहुत से लोग ऐसे थे जो किताबों में रुचि रखते थे, पढ़ने में विश्वास रखते थे, वो उनके नियमित पाठक है वो बन गए थे।
अब पुस्तकों में तीसरा टॉपिक है क्या, पुस्तकों में राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी थी। अब बहुत से लोग थे वो राजशाही से दुखी थे, राजा से दुखी थे, कुछ लोग चर्च से दुखी थे, जो पादरी जो फादर उनका होता था उनके ऐसे कठोर कायदे कानून नियम होते थे जिससे लोग परेशान थे, तो ऐसे चीज़ों से भी लोग परेशान होने के कारण उनकी जो पुस्तकों की पुस्तकों में आलोचना होने लगी थी, बुराइयाँ उनकी गिनाई जाने लगी थी। ऐसे भी लोग हैं वो ये सोचने लगे थे कि अब ज्ञान का उदय, ज्ञान का विकास होगा। अगला टॉपिक हमारा चौथा टॉपिक है, मरसैया ज्ञानदेव को लाने तथा निरंकुशवाद को उखाड़ फेंकने में छापेखाने यानी मुद्रण की भूमिका के प्रति इतना आश्वस्त था कि उसने निरंकुशवाद शासकों को बड़ी चुनौती दे डाली। हे निरंकुशवाद शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, आभासी लेखक की कलम की ताकत के आगे तुम हिल उठोगे। अब मरसैया ज्ञानदेव मरसैया था जो लेखक था, उन्होंने निरंकुशवाद को उखाड़ फेंकने में जो मुद्रण था छापाखाना था उसकी अहम भूमिका बताई है। उसने कहा है कि हे निरंकुशवादी शासको, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, तुम्हारे कांपने का वक्त क्या आ गया है, तुम्हारा अब जाने का वक्त आ गया है, तुम कांपोगे किन के आगे, जो लेखक हैं जो आज के युग के जो लेखक हैं उनकी कलम की ताकत के आगे तुम हिल उठोगे, तुम कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाओगे, क्योंकि आप उनकी कलम अपनी कलम की ताकत से वे लोग आम जनता तक तुम्हारा जो विश्वास आपने लोगों के बीच में बना रखा है, जो लोगों के बीच आप अत्याचार कर रहे हैं वे अत्याचार अब आम लोगों की पहुंच तक पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला चर्चा करें में कि 18वीं सदी के लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा था कि मुद्रण संस्कृति के आने से निरंकुशवाद का अंत होगा और ज्ञान का उदय होगा। तो पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे, कि कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर के चिंतित थे, यूरोप और भारत से कोई एक उदाहरण लेकर के समझाना है। एक तो यूरोप से लेना है, यूरोपीय महाद्वीप से लेना है, और एक भारतीय जो एशिया महाद्वीप का देश है वहाँ से आपने एक उदाहरण लेना है। तो कुछ जो लोग थे वो मानते थे कि जो किताबें सुलभ हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं, आम जनता की पहुँच तक उन हो गई हैं, तो वो कुछ लोग चिंतित थे। वो चिंतित क्यों थे इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, मुद्रण तकनीक के आविष्कार के कारण पुस्तकों की पहुंच आम लोगों तक होती जा रही थी। अब मुद्रण संस्कृति के आविष्कार में ज़्यादा ज़्यादा किताबें छपने लगी थी, मुद्रण संस्कृति का विकास हो गया था, किताबें छापने की जो टेक्निक थी वो आ गई थी, हर देश के व्यक्ति किताब छापने लगे थे, तो वो इसी कारण थी किताबें ज़्यादा छपने लगी तो आम जनता तक उसकी पहुँच हो गई। इसी तरह को बढ़ावा मिला था ज्ञान का प्रसार हुआ, तर्क को बढ़ावा मिला। तर्क मतलब आपसी जो विचार हैं, भी एक व्यक्ति तो किसी को भगवान मानता है, एक व्यक्ति किसी को भगवान मानता है, एक व्यक्ति किसी को अच्छा मानता है, एक व्यक्ति किसी को बुरा मानता है, एक व्यक्ति राजा का गुणगान करता है तो एक व्यक्ति राजा की आलोचना करता है, उसकी बुराई करता है। तो लोगों में आपस में तर्क वितर्क वाद विवाद होने लगा, और उस वाद विवाद से उस तर्क से लोगों में ज्ञान का प्रसार होने लगा। पुस्तकों की इस आसान सुलभता से कुछ लोग चिंतित भी थे, भी आप किताबें आसान हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं, इससे कुछ लोग चिंतित थे। पुस्तकों की सुलभता का स्वागत करने वालों के मन में भी कई प्रकार की चिंताएं शंकाएं थी। कौन कौन सी चिंताएं शंकाएं थी, भी किताबों को की सुलभता का स्वागत करने वाले जो लोग थे, भी अच्छा हो गया हर व्यक्ति के पास किताबें पहुँच गई, अब लोग आसानी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी अब उनको भी चिंताएं सताने लगी, शंकाएं हो गई, शक हो गया अभी कुछ गलत ना हो जाए। तो इन लोगों में कुछ धार्मिक नेता थे, लेखक थे और राजा थे। कौन कौन से लोग थे, कुछ धार्मिक जो नेता थे वे लेखक भी थे और कुछ राजा थे, उनको चिंता होने लगी। वे सोचते थे कि यदि इन पुस्तकों का नियंत्रण नहीं किया गया तो लोगों को विद्रोही बना सकती, ये किताबें लोगों को विद्रोही बना सकती हैं, अगर किताबों में राजा के विरुद्ध लिखा है तो राजा को वो राजा नहीं समझेंगे, उसके किसी भी बात का वो पालन नहीं करेंगे, किसी भी आदेश का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। लेखक है
अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी बातों को सही साबित करने के लिए तरह तरह के तर्क वितर्क दे करके वो लोगों को सब पहुँचाएंगे, जिससे लोग असमंजस में पड़ जाएंगे। नेता भी अपनी बात को पहुँचाने के लिए इनकी इन्हीं किताबों का सहारा लेते हैं। तो ये सब लोग चिंतित हो गए कि अगर ये इन किताबों पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो लोग विद्रोही हो जाएंगे और इसे मूल्यवान साहित्य का भी समाप्त हो जाएगा। जो अच्छी बातें बताने वाले साहित्य हैं वो भी, जो बुरे साहित्य हैं, जो आलोचक साहित्य हैं, जो किसी को सही नहीं मानते, वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब उदाहरण लेना है हमने एक यूरोप से और एक भारत से। तो उदाहरण देखिएगा कौन किस प्रकार के उदाहरण दिए हैं। यूरोप में कैथोलिक की बात करेंगे, हम कैथोलिक चर्च के बारे में हमने पढ़ा है, उसी की बात हम बात करेंगे। तो यूरोप में कैथोलिक चर्च पुस्तकों के बढ़ते प्रभाव को देखकर बहुत चिंतित था। अब यूरोप के जो कैथोलिक चर्च थी वो भी इन पुस्तकों का प्रभाव था उसको देखकर बड़ा चिंतित था। उसने पाया कि एक इटली का किसान इन पुस्तकों को पढ़कर बाइबल का नया अर्थ लगाने लगा है। उसने पाया कि एक किसान है इटली का, अभी किताबों को पढ़कर के जो बाइबल का जो अर्थ है उसके विपरीत अर्थ लगाने लगा है, नया अर्थ उसने निकाल लिया। उसने ईश्वर को सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च से रुष्ट हो गया। उसने ईश्वर के बारे में, इस सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाने शुरू कर दिए जिससे जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसके जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो रुष्ट हो गए। और उन्होंने क्या बनाया, एक कानून पास किया, उसको कानून के बारे में पढ़ा था, इनक्विजिशन। इसके द्वारा उसे मृत्युदंड भी दिया गया, उस किसान को मार दिया गया था। भैया आपने बाइबल का गलत अर्थ बता करके ईश्वर के भगवान की आलोचना की है, उसका अर्थ नया निकाल दिया है। तो एक उन्होंने इस पर पाबंदी लगाने के लिए एक नया धार्मिक कानून बनाया था, इनक्विजिशन, और इसके द्वारा उसने उस किसान को मृत्यु भी दे दी गई थी। रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी। अब उन्होंने पाबंदियां लगा दी भी किसी प्रकार की, किसी भी पुस्तक में अब धर्म के प्रचार के जो गलत बातें हैं वो नहीं छापी जाएंगी। पुस्तक विक्रेता हैं, जो पुस्तक बेच रहे हैं, दुकानों वाले हैं, उन पर भी पाबंदी लगा दी कि आप ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं बेचेंगे जिसके अंदर धर्म की आलोचना की गई हो, चर्च की आलोचना की गई हो, कैथोलिक धर्म की आलोचना की गई हो। ये था हमारा कैथोलिक चर्च से उदाहरण, हमारा यूरोप से। अब भारत से लेंगे। भारत में भी उधर संस्कृति के प्रसार में राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा हो रही थी। अब भारत के अंदर भी पुस्तकें अच्छी होगी, पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र छपने लगे थे, और उस समय भारत में अंग्रेजी सरकार थी, औपनिवेशिक शासन काल था। तो भारत में भी इन लोगों ने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों में ऐसी भावनाएँ भरने के लिए, ऐसी राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा की उधर संस्कृति के प्रचार प्रसार से कि किसी प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ दिया जाए। और अंग्रेजों ने भी इसी पर एक कड़ा सेंसर बिठा दिया, नियम लागू कर दिए कि कोई भी भारतीय प्रेस पत्र पत्रिका निकालने वाली अगर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, कंपनी के विरुद्ध कोई भी कुछ छापता है तो उसकी प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, उसके अखबार को, पत्र पत्रिका को बंद कर दिया जाएगा। और ये चीज़ सारी थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, कौन से में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। उसमें हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन, और 1878 में उन्हें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था जिसमें भारतीय प्रेसों पर प्रतिबंध लगा दिया था जो प्रेस अंग्रेजों की बुराई करती थी। और 1907 में जब पंजाब के क्रांतिकारी, जो 1907 के पंजाब के क्रांतिकारी को काला पानी भेजा गया, तो भी बंगाल के पंजाब के जो क्रांतिकारी थे काला पानी भेज दिया गया था, और काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र में उसके प्रति सहानुभूति दर्शाई थी। बाल गंगाधर तिलक का एक पत्रिका थी, उसमें अपने समाचार पत्र में सहानुभूति दर्शाई थी उन लोगों के लिए जो जिसको काला पानी भेजा गया है, तो उसे कैद कर लिया गया था और उसके पत्र को भी बंद कर दिया गया था। तो ये था हमारा एक उदाहरण भारत से। अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का प्रभाव पड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, 19वीं सदी में भारत में
गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। तो 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। तो 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में बहुत सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बिक रही थी। अब 19वीं सदी की बात करें तो मद्रासी जो शहर थे वहाँ पर जो किताबें थी सस्ती थी, सुलभ थी और इतनी ज़्यादा मात्रा में किताबें बाज़ार में थी कि चौक चौराहे पर इन किताबें हैं वो बिक रही थी। इससे गरीब लोग भी उन्हें खरीद रहे थे, गरीब लोग भी इनको खरीद करके पढ़ रहे थे। और 19वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय, ऐसे पुस्तकालय खुलने शुरू हो गए थे जिसमें बैठकर लोग समय निकलते ही उसमें पहुंच जाते थे और अपनी किताबें हैं वो वहाँ पर पढ़ते थे। सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लग गए थे और ऐसे लोग भी वहाँ पर पढ़ते थे जहाँ पर जिसके पास पुस्तकें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, वहाँ पर लोग जा कर के पढ़ते थे। इससे किताबों की पहुँच और बढ़ गई और इससे क्या हुआ, किताबों की जो पहुँच थी वो और बढ़ गई और ये पुस्तकालय शहरों गाँव तथा संपन्न गाँव में भी होते थे। ऐसे ऐसे पुस्तकालय कहाँ पर होते थे, शहरों में थे, शहरों में होते थे। जो संपन्न गांव थे जिसके जिस गांव के अंदर सारी सुख सुविधाएं होती थी उन गांव में भी ये जो पुस्तकालय थे सार्वजनिक वह खोले गए थे। स्थानीय धनी लोग पुस्तकालय खोलना अपनी प्रतिष्ठा की बात समझते थे। स्थानीय जो धनी लोग थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, पैसे वाले जो लोग थे, वो लोग भी इस प्रकार के जो पुस्तकालय खोलना अपना सौभाग्य समझते थे, प्रतिष्ठा समझते थे। तो बॉम्बे के अगला टॉपिक आता है, बॉम्बे के मिल मजदूरों ने प्रेरणा पाकर बेंगलोर के मिल मजदूरों ने पुस्तकालय स्थापित की। अब क्या था, बॉम्बे के मिल मजदूर थे उन्हें प्रेरणा मिली, तो इसी प्रेरणा से बेंगलोर के मिल मजदूरों ने क्या किया, पुस्तकालय स्थापित किया और कुछ सुधारवादी लेखकों ने पुस्तकों के द्वारा जातीय भेदभाव के मजदूरों को संगठित किया। अब क्या आता है, बम्बई के मिल मजदूर जो मिल के मजदूर थे, मिल में काम करने वाले मजदूरों ने पुस्तकालय खोला अपना और वहाँ पर बैठ करके वो अपना समय के अनुसार पढ़ते थे और साथ साथ में इनकी देखरेख से इन्हीं से प्रेरणा पा करके बेंगलोर के जो मिल मजदूर थे उन्होंने भी क्या किया, वहाँ पर अपने पुस्तकालय को स्थापित किए जिससे लोग वहाँ लोग बैठ करके आसानी से पढ़ सकें और जानकारी है वो प्राप्त कर सके। और बहुत से जो सुधारवादी लेखक थे उन लेखकों ने भी पुस्तकों में ऐसी ऐसी बातें लिखी जिसे जातीय भेदभाव खत्म हो, जातीय भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए, भी हमारे साथ जाति जो भेदभाव हो रहा है वो किस प्रकार से समाप्त किया जाए। अगला टॉपिक हमारा है कानपुर के मिल मजदूर। अब कानपुर की बात आती है कि कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा, कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में जाति और शोषण के बीच रिश्ता समझाने का प्रयत्न किया। भी कानपुर के जो मिल मजदूर थे काशी बाबा, कानपुर के मिल मजदूर थे काशी बाबा नाम के समाज सुधारक थे, उन्होंने जाति और शोषण के बीच भी जाति के आधार पर लोगों का जो शोषण हो रहा है उसका रिश्ता समझाने का प्रयत्न किया। लोगों को समझाया कि जाति आधार पर किसी का शोषण है वो आप न करें। और 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखे जाने वाले एक मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह भी छापा गया और उसमें 1935 से 1955 के बीच 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से एक लेख लिखा जाने लगा। ठीक है, उसमें क्या थी, कविताएं होती थी, सच्ची कविताएं होती थी, उनका नाम दिया गया था, उसको नाम संग्रह छापा गया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव रहा। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रण ने संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद में किस प्रकार से मदद की। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद में, मुद्रण संस्कृति आ गई, छापाखाना आ गया, किताबें छपने लगी, वैसे भारत में भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ और किस प्रकार से इस विकास राष्ट्रवाद की भावना को लोगों तक पहुँचा उसके बारे में बताना है। तो
तो देखिएगा, इस काल में कई लेखकों ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नई रचनाएं लिखी। तो इस काल में जो उस समय जो औपनिवेशिक काल था हमारा, जहाँ जिस समय भारत अंग्रेजों के गुलाम था, अधीन था, तो उस समय जो लेखक थे हमारे, उन्होंने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत विदेश के प्रति प्रेम से भरी हुई कविताएं रचनाएं हैं वो लोगों तक अपने कलम से लिख करके लोगों तक पहुंच जाई। दूसरा है वंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उदय करने में बहुत सहायता की। अब वंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, आनंद मठ से और भी कुछ लिया गया है अपने आपके दिमाग में आ जाएगा क्या लिया हुआ है आनंद मठ से जो हमारा सबसे प्रिय है, तो आप अपने दिमाग से ही सोचिएगा आनंद मठ से क्या लिया गया है, मैं बताऊंगा नहीं आपको। और अगर आपको पता चल जाए कि आनंद मठ से क्या लिया गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लोगों के मन में क्या राष्ट्र भावना, राष्ट्रवाद की भावना पनपी। तीसरा है कई समाचार पत्रों जैसे मराठा, हिंदू, केसरी तथा बॉम्बे समाचार ने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत लेख छापे और इन लेखों में लोगों के मन में देश प्रेम की भावना है वो जगाई। तो बहुत से भारतीय जो समाचार पत्र थे जैसे मराठा, हिंदू केसरी, बॉम्बे समाचार, इस प्रकार के समाचार पत्र थे जिनमें राष्ट्र भावना से ओतप्रोत लेख छापे जाने लगे और इन लेखों को लोग पढ़ते थे, पढ़ करके उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना है वो जागने लगी थी। चार का है भारतीय समाचार पत्र पर अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों को समाचार पत्रों में लिखते थे। अब भारतीय जो समाचार पत्र थे जो अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियाँ थी, गलत विचार थे, गलत विचारधारा थी, गलत कार्य थे, उनका भारतीय समाचार पत्रों में खुलकर विरोध किया जाता था, खुलकर उनकी आलोचना की जाती थी ताकि आम जनता तक जो भारतीय जो आम नागरिक हैं उनको ये पता चले कि अंग्रेज सरकार कितनी हमारे लिए खतरनाक है, दुखदाई है, क्योंकि भारत का धीरे धीरे शोषण कर रहे हैं, भारत को अंदर से खोखला बना रहे हैं। अगला है पांच, भारत से धन किस प्रकार इंग्लैंड जा रहा है इसकी जानकारी भी लोगों को समाचार पत्रों से दी जाती थी। तो भारत में अंग्रेज किस प्रकार से भारतीय धन को धीरे धीरे करके इंग्लैंड भेज रहे हैं, अपने देश भेज रहे हैं, इन सब बातों की जानकारी भी समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद में विकास मिला। तो ये क्वेश्चन थे हमारे चार। तो हमारे चार तीन क्वेश्चन थे अभ्यास के और चार क्वेश्चन ये चर्चा करे में थे। तो हमारा अभ्यास कंप्लीट हो गया है और अपने आप अपनी किताबों से भी इस अभ्यास को पढ़ लेना, अच्छी प्रकार से समझ लेना। और जब तक आप अपनी किताब को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये प्रश्न भी आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरी है किताबों को पढ़ें, समझें किताब को, फिर ये आपके जो अभ्यास है उसको सुने समझें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।